दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की मुकम्मल खेल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा चलते हैं पीछे, क्योंकि जब दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ था तो इंडिया अपनी दूसरी इनिंग के साथ 3 विकेटों के नुकसान पर 81 रन बना लिए थे और इंडिया की टीम 308 रन की बढ़तरी पर थी। लेकिन अगर आज के तीसरे दिन की बात करें तो पहले सेशन में शुभमन गिल और ऋषि पंत ने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया। सबसे पहले दोनों बल्लेबाजों ने इंडिया का स्कोर 100 के पार पहुंचाया। जब इंडिया का स्कोर 112 रन पर था तो शुभमन गिल ने अपनी शानदार 50 स्कोर की। उसी दौरान ऋषभ पंत शुभमन गिल के दरमियान 50 रन की शानदार पार्टनरशिप भी देखने को मिली। जब इंडिया का स्कोर 150 पर था तब ऋषभ पंत ने भी अपनी शानदार निफ्स सेंचुरी मुकम्मल की और वो भी सिर्फ 88 गेंदों पर। ऋषभ पंत और शुभमन गिल की निफ्स सेंचुरियों के बाद दोनों ने इनिंग्स को मजबूती से संभाले रखा और इनकी पार्टनरशिप 100 से ज़्यादा रन तक पहुँच गई। इंडिया ने तीसरे दिन के पहले सेशन में 28 ओवर में 124 रन बनाए और ऋषभ पंत और शुभमन गिल नॉट आउट खेल रहे थे। पहले सेशन के ख़त्म होने पर इंडिया का स्कोर 205 रन था। 3 विकेटों के नुकसान पर शुभमन गिल 88 रन बनाकर नॉट आउट थे और ऋषभ पंत 82 रन बनाकर नॉट आउट थे, जबकि इंडिया की बढ़तरी 432 तक हो चुकी थी। दूसरे सेशन के आगाज में ऋषभ पंत ने एक छक्का और 2 चौके लगाकर अपनी शानदार सेंचुरी कंप्लीट की, वो भी सिर्फ 124 बॉलों पर। लेकिन सेंचुरी बनाने के बाद 56वें ओवर्स में ऋषभ पंत आउट हो गए, जिन्होंने 128 बॉलों पर 109 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और 4 छक्के शामिल थे। जब ऋषभ पंत आउट हुए तो इंडिया का स्कोर 234 रन पर था और 4 विकेटें गिर चुकी थी। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद शुभमन गिल ने हमला जारी रखा और 60वें ओवर्स में अपनी शानदार सेंचुरी मुकम्मल कर ली, वो भी अब 161 गेंदों में। दूसरी तरफ केएल राहुल भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। शुभमन गिल और केएल राहुल के दरमियान 53 रन की पार्टनरशिप देखने को मिली, वो भी सिर्फ शानदार 151 बॉलों के ऊपर। इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज 287 रन पर डिक्लेयर कर दिया था 4 विकेटों के नुकसान पर। अब बांग्लादेश को जीतने के लिए पहाड़ जैसा 514 रन का हदफ चाहिए था। इंडिया की दूसरी इनिंग्स के अगर स्कोर में बात करें तो जायसवाल ने 10 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 5 रन बनाए, शुभमन गिल नॉट आउट 119 रन बनाए, विराट कोहली 17 रन बनाए, ऋषभ पंत ने 109 रन बनाए, जबकि केएल राहुल 22 रनों के साथ नॉट आउट रहे। बांग्लादेश की दूसरी इनिंग्स में अगर बॉलिंग की बात करें तो मेहदी हसन मिराज ने 2 विकेट ली, तस्कीन अहमद ने 1 विकेट ली और नाहिद राणा ने भी 1 विकेट ली। जबकि बांग्लादेश की बैटिंग दोबारा शुरू हुई तो इनके ओपनर जाकर हसन और इस्लाम ने बेहतरीन बैटिंग की और पहले 12 ओवर में 54 रन जड़ दिए। ये इंडिया पिचेस पर बांग्लादेश की ओपनिंग की पहली 50 प्लस पार्टनरशिप थी, जो आज तक कभी हिस्ट्री में बांग्लादेश ने नहीं बनाई थी। दूसरे सेशन के ख़त्म होने पर बांग्लादेश का स्कोर 56 रन पे था बगैर किसी नुकसान के। 13वें ओवर के बाद जाकर हसन 32 रन बनाकर आउट हुए, जबकि इस्लाम 21 रन बनाकर नॉट आउट खेल रहे थे। अभी भी बांग्लादेश को जीत के लिए 459 रन का हदफ दरकार है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बांग्लादेश मैच जीतेगी या फिर इंडिया की ग्रिप मजबूत है इस मैच में? कमेंट में ज़रूर बताएं।